हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24। यहाँ पर आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का दिसंबर एग्जामिनेशन 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो जिसका सब्जेक्ट कोड है CS302 या यूँ बोले CT302, CO302, CI302, IT302। तो ये CS ब्रांच के लिए, IT ब्रांच के लिए सेम पेपर है। और मैं उसी के साथ आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन। यहाँ पे तो पेपर, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पेपर में 8 है। टोटल नंबर प्रिंटेड पेजेस यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। बोला गया है कि चार पेज का पेपर है ये। रोल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। CS302 ब्रांच कोड है इसका, और बीटेक थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 का पेपर है। बीटेक डिग्री के लिए है, थर्ड सेमेस्टर। चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का पेपर है। टाइम 3 घंटे का है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट मैक्स बोल सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 70 है। 70 मार्क्स का है पेपर है। अब यहाँ पर 3 नोट दिए हुए, उनको 4 नोट दिए हुए, उनको ध्यान से पढ़ते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। सेकेंड है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्नों के समान अंक है। थर्ड है, ड्रॉ नीट स्केच इफ रिक्वायर्ड, यदि आवश्यकता हो वहाँ स्वच्छ चित्र बनाइए। उसके बाद फोर्थ है, इन केस ऑफ एनी डाउट और डिस्प्यूट द इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन शुड बी ट्रीटेड एज फाइनल, किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को अंतिम माना जाएगा। तो फर्स्ट का ए पार्ट है, प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। डिस्क्रीट मैक्स का पेपर है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। 7 नंबर का एक क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपवर्ग चक्रीय होता है। उसके बाद फर्स्ट का बी पार्ट है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन शो दैट R=0 σ to n सबमिशन n 3R=3n+1 -n/2। 7 नंबर का क्वेश्चन है, गणितीय प्रेरणा का उपयोग करके सिद्ध करें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे लेट A=(1, 2, 3, 6, 12, 24, 36) इन रिलेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू बी सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू y इफ x डिवाइड y, ड्रॉ हैज डायग्राम एंड फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमल एलिमेंट। रिलेशन लेस देन बी सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू y इफ x डिवाइड y, ठीक। ड्रो हैज डायग्राम एंड फाइंड मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट। 7 नंबर का एक क्वेश्चन, सेकंड का बी पार्ट है, शो दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल है, ये सिद्ध कीजिए। थर्ड का ए पार्ट है, विदाउट कंस्ट्रक्टिंग द ट्रूथ टेबल ऑब्टेन द प्रिंसिपल डिसजॉइंटिव नॉर्मल फॉर्म। विदाउट कंस्ट्रक्टिंग ट्रूथ टेबल ऑब्टेन द प्रिंसिपल डिसजॉइंटिव नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज आर एंड क्यू इम्प्लाइज इफ पी इम्प्लाइज क्यू। 7 नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड का बी पार्ट है, प्रूव दैट इन अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल एटलीस्ट 3 मस्ट बी म्यूचुअल फ्रेंड और एटलीस्ट 3 मस्ट बी म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स। थर्ड का बी पार्ट, 7 नंबर का क्वेश्चन, सिद्ध करें कि 6 लोगों के समूह में कम से कम 3 लोगों का आपसी मित्र होना आवश्यक है या 3 लोगों का कम आपसी अजनबी होना आवश्यक है। म्यूचुअल स्ट्रेंजर और म्यूचुअल फ्रेंड्स, एटलीस्ट 3। फोर्थ का ए पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हम, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ग्राफ G1 एंड G2 गिवन इन फिगर आर आइसोमॉर्फिक और नॉट, दिए गए ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं। तो ये 2 ग्राफ दिए हुए हैं, G1 G2, इसमें कैपिटल लेटर में दिए हुए हैं, इसमें स्मॉल लेटर में दिए हुए हैं, और ये एड यहाँ पे डिफरेंस ये है, यहाँ पे FC यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे GD कनेक्टेड है। तो अब हमको क्या प्रूव करना है इसमें, आइसोमॉर्फिक और नॉट। बी पार्ट है फोर्थ का, प्रूव दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजस्ट इन ए सिंपल डिस्कनेक्टेड ग्राफ जी विथ एन वर्टिसेस एंड के कंपोनेंट्स इज n-k × n-k+1/2। 7 नंबर का एक क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि सिंपल डिस्कनेक्टेड ग्रुप जी जिसमें n कोने तथा k अंग हो उसमें अधिकतम कोरों की संख्या होगी। 5th का ए पार्ट है, शो दैट इन ए कनेक्टेड प्लेनर लीनियर ग्राफ विथ 6 वर्टिसेस एंड 12 एडजस्ट ईच ऑफ द रीजन इज बाउंडेड बाय 3 एडजस्ट।
सिद्ध करें कि एक कनेक्टेड प्लेनर लीनियर ग्राफ जिसमें कि 6 कोने तथा 12 कोर हो, जैसे प्रत्येक रीजन 3 कोरों से घिरा हो लगा हुआ होगा। फिफ्थ का बी पार्ट है, यूजिंग इंडक्शन प्रिंसिपल प्रूव दैट n की पावर 3 प्लस 2n इज डिविजिबल बाई 3। इंडक्शन में प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके अपन को ये प्रूव करना है, ठीक। सिक्स्थ का ए पार्ट है, इन डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस शो दैट द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। एक डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस में निम्नलिखित की समानता को दर्शाइए, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ए एंड बी एंड नॉट ऑफ बी, बी बार इक्वल टू जीरो, ए बार और बी इक्वल टू वन, ए बार इज लेस देन और इक्वल टू बी बार इज लेस देन और इक्वल टू ए बार, ठीक है। सिक्स्थ का बी पार्ट, शो दैट एवरी चेन इज मॉडुलर, सिद्ध करें कि प्रत्येक श्रृंखला मॉडुलर होती है। सेवंथ का ए पार्ट, इफ जी इज ए सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ देन प्रूव दैट जी हैज एन इक्वल टू एन ट्रिपल इक्वल टू जीरो और वन और मॉड वन मॉड फोर वर्टिसेस। एट नंबर का क्वेश्चन, इफ जी इज ए सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ देन प्रूव दैट जी हैज एन ट्रिपल इक्वल टू जीरो और वन मॉड फोर वर्टिसेस। सेवंथ का बी, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 250 दैट आर डिविजिबल बाय एनी ऑफ द इंटीजर 2, 3, 5 एंड 7। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 250 दैट आर डिविजिबल बाय एनी ऑफ द इंटीजर 2, 3, 5 एंड 7। सात नंबर का क्वेश्चन, अब एट्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होता है पेपर का, उसके दो पार्ट और देख लेते हैं। प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी इज अगेन ए सब ग्रुप ऑफ जी। टू सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी इज अगेन ए सब ग्रुप ऑफ जी। सिद्ध कीजिए कि ग्रुप जी के दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप ही होगा। एट्थ का बी पार्ट है, डू एज डायरेक्टेड स्ट्रेट द पिजन होल प्रिंसिपल, पिजन होल प्रिंसिपल बताइए। थर्ड है, ड्रो द कॉम्प्लीमेंटेड के, सेकंड ड्रो द कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ के फाइव। थर्ड है, प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक यू। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा पेपर डिस्कशन समाप्त होता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी और आपके लिए भी ज़रूरी है, ताकि मैं आपको ऐसे पेपर हर बार पहुँचाता रहूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इट, इट इज़ वेरी अर्जेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो आपसे कहना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिर्फ जून और दिसंबर के 2020 के दो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको और चाहिए तो कमेंट करें। कमेंट करने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, तो आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूँगा। थैंक यू वेरी मच।